हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर दीपिका अग्रवाल। चिल्ड्रन, दिस इज योर रीडिंग बुक, माय फर्स्ट एबीसी, एंड टुडे वी विल रीड अबाउट लेटर पी विद ऑल द पिक्चर्स एंड देन वी विल राइट लेटर पी इन नोटबुक। आर यू रेडी? सो वॉच द वीडियो केयरफुली एंड फॉलो योर मैम्स इंस्ट्रक्शंस। That is the way how you become good children. अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? जो अपने parents का, बड़ों का और अपने teachers का कहना मानते हैं। जो children अपने parents, अपने elders, अपने teachers को obey करते हैं, है ना, उनका कहना मानते हैं, वो बच्चे कैसे होते हैं? Good children. Okay? So this is letter P. P for pigeon, kabutar. P for plate. P for pencil and P for pea. P for pigeon, kabutar. P for plate ya tashtri. P for pencil and P for pea. It's a vegetable, matar. Okay. Now we will do written work in notebook. This is our notebook. Today's date, letter P. Letter P, P for pen, P for pencil. और मैम ने आप बुक में क्या रीडिंग कराई? P for plate and P for pea भी होता है. Okay? So बहुत ही easy letter है. देखिए P कैसे smile दे रहा है. इसने क्राउन भी पहना हुआ है. सो वी आर गोइंग टू यूज थ्री लाइन्स, है ना. सो फर्स्ट स्टेप अवर स्टैंडिंग लाइन, देन अ स्मॉल कर्व लाइक दिस. पी फॉर पैरट, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पी एंड पी फॉर प्लेट, जिसमें मम्मा गर्मा गर्म नाश्ता, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब आपको बनाकर देती हैं. बट आपके उस प्लेट में क्या होना चाहिए? हेल्दी और हाइजीनिक फूड, ना कि फास्ट फूड. मम्मा की किचन में बनाई हुई फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल एंड रोटी या पराठा या फिर पूरी भी मिल जाएगी कभी कभी. बट उस प्लेट में नो मैगी, नो चिप्स, नो बर्गर, नो पिज्ज़ा. पिज्जा तो छोटे स्टूडेंट्स को, मतलब छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. मानेंगे मैम की बात? सबको गुड चिल्ड्रन बनना है ना, और क्विकली सब कुछ लर्न भी करना है, क्लास में नंबर वन भी रहना है. तो नंबर वन पोजीशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिट रहना पड़ेगा, हेल्दी एंड फिट. और हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हेल्दी फूड, जो विटामिन्स प्रोटीन से भरा हुआ हो, है ना. जूसी फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश रोटी पराठा दाल चावल. ओके, सो पी फॉर पेन, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर प्लेट एंड पी फॉर पीकॉक. पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड भी है पी से. आपने देखा है ना जीके में, बर्ड्स नेम में पी फॉर पैरट. पी फॉर पीकॉक भी बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होता है. उसके बहुत सुंदर विंग्स होते हैं. ब्यूटीफुल बर्ड जरूर है, बट पीकॉक जो है ना, वो फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता. सो इस तरह से मैम ने बातें करते करते ये पूरा पेज कंप्लीट कर दिया है. आई होप कि आप भी उतना ही इजीली इसको सीख जाएंगे, है ना. अब हम कुछ रीडिंग करते हैं. सम ब्यूटीफुल लेटर्स आई हैव पेस्टेड हियर. सो आपको क्या करना है? इन्हें रिकॉग्नाइज करना है. यू कैन सी चिल्ड्रन, विच लेटर इज दिस? दिस इज एच फोर हैन. वॉट इज द कलर ऑफ दिस पिक्चर? ब्लू कलर. This is letter N. N for
nose. And the color of the picture is green. Letter K. K for kite. What is the color of this letter? Red color. Letter M. M for moon. और इस पिक्चर का क्या कलर है स्टूडेंट्स? येलो कलर. वेरी गुड. विच इज दिस लेटर? दिस इज लेटर एल. एंड कलर ब्लू. कलर ब्लू, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो. सो इस तरह से हमने लेटर्स को रिकॉग्नाइज भी कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया और कलर्स नेम भी रिवाइज कर लिए. ओके चिल्ड्रन, सो डू योर ऑल द वर्क रेगुलरली, ओरल वर्क, रिटर्न वर्क, योर लर्निंग, योर स्टोरी एंड कन्वर्सेशन ऑल्सो, एंड राइम विद एक्शन एंड गुड फेशियल एक्सप्रेशन. See you soon in next class. Till then, bye-bye.